हेलो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट व्लॉग, तो इसकी ओपनिंग के लिए मैं एक बहुत बड़े अतिथि को ढूंढ रही हूँ और बहुत दुष्ट है वो अतिथि, आ नहीं रहे हैं, तो सुनिए। मेरा बाबू है कान्हा, ये आपको कुछ सुनाएगा। सुनाओ कान्हा। देखो दादू देख रहे थे। आज है हमारे लड्डू जी का सतैसा, इसे मैं बताऊंगी क्या होता है सतैसा। और ये जो सतैसा होता है वो बेबी के 27 बर्थडे के 27 डेज बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इनका हो रहा है मेकअप, इनकी बुआ कर रही है। एक्चुअली ये हम लड्डू हम लोग के लिए एक जीती जागती डॉल है, तो जो बचपन में हम ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए वो यहाँ सजा के इन्हें कर रहे हैं। बहुत सावधानी से कर रही थी, डरने की कोई बात नहीं थी, कुछ चुभ नहीं रहा था। और फिर उसके बाद हम इसे ऐसे सजा ही रहे थे जैसे ये सच में प्लास्टिक की हो। फिर उसके बाद ये मस्त गहरे नींद में सो रही थी और हम इसे सजाए जा रहे थे, कभी कभी काजल लगा के, कभी कुछ, कभी पाउडर लगा के, और ये नींद में ही बस। इनकी बुआ मिलके तो इन्हें तैयार कर ली होती हैं, पर अभी कहाँ, अभी तो पंडित जी की जो हेल्पर होती हैं, नाउन बोलते हैं इधर गांव में, तो वो आती हैं और इन्हें अभी उनका मेकअप बाकी रहता है, तो वो आके आलता से टीका करती हैं और होठ पे लगाती हैं लाली, फिर उसके बाद पैर रंगती हैं ऐसे ही। मैं मना करती हूँ, कह रहे उसके मुँह में चला जाएगा, तो वो बोलती हैं कि अरे ये रिचुअल ऐसा करना होता है, मुंह में नहीं जाएगा, संभाल के कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसी में लड्डू मुस्कुराती रहती है। लड्डू जब तक तैयार होती है सब अपना जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। इधर लड्डू के पापा कैमरा देखते ही पोज करने लगते हैं और फिर कहते हैं आओ भाई वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं हम भाभी को लेके आते हैं, भाभी भी पूरी तैयार हो चुकी रहती हैं और फिर पंडित जी चालू हो जाते हैं। तो पूजा हो जाती है प्रारंभ। अब आपको बताएंगे अगले व्लॉग में कि इस पूजा में क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वॉच नेक्स्ट व्लॉग फॉर मोर।